गुड मॉर्निंग स्टूडेंट भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दुर्ग ब्रांच कंप्यूटर साइंस सेवेंथ सेमेस्टर फोर्थ ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑन नेटवर्क प्रोग्रामिंग माइ सेल्फ कुमार चंद्राकर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सो टूडे अवर टॉपिक चैट लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट चैटिंग चैटिंग Online is talking to someone or many someones using the internet to send typed message back and forth. YouTube, uh, you type your message and send it. Other peoples read it and type their messages and send them. सो so, चैट जो होता है वो आप लोग को पता है आप सिंपली चैट करते हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जो चैटिंग फैसिलिटी होता है वो होता है ये चैटिंग जो है आप ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं ऑफलाइन चैट भी कर सकते हैं ऑफलाइन जैसे कि आप नॉर्मल एस भेजते हैं वो तो ऑफलाइन चैटिंग होता है और ऑनलाइन चैटिंग में जैसे कि आप इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सअप में चैट करते हैं ईमेल पे चैट करते हैं और भी बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन चैट करते हैं तो ये फैसिलिटी जो है वो चैटिंग में आते हैं नेक्स्ट यू कैन चैट इन टू वेज दो तरीके से चैट कर सकते हैं यूजिंग अ चैनल और यूजिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन

वो सारे जो है वो एक दूसरे के साथ पीपल लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं चैटिंग करते हैं राइटिंग योर मैसेज उसके लिए आपको मैसेज राइट करना पड़ता है व्हेन यू आर चैटिंग यू यूज स्माइली टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कॉमन स्माइलिंग स्माइल आर लिस्टेड इन द सेक्शन और ई मेल अगर चैटिंग के दौरान वहाँ पे बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है जैसे इसमाइली का अलग से रहता है इमोजी आप उसमें इस्माइली अगर देना चाहते हैं तो उस इमोजी को क्लिक कर सकते है। वो वो हैं वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे हैंड पे चले जाएगा अपने फीलिंग अगर शेयर करना चाहते हैं जो भी टाइप से आप फीलिंग हैं तो सभी का क्या होता है लिस्टेड बना होता है और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपने फीलिंग्स और इस्माइली आप चैटिंग के माध्यम से दे सकते हैं नेक्स्ट होता है ई मेल ई मेल आपको पता है ई मेल जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जी मेल हो गया याहू मेल हो गया रेड एफ मेल हो गया तो ई मेल फैसिलिटी क्या होता है अगर मान लो हम किसी को कोई मैसेज भेजना है ई मेल करना है डॉक्यूमेंट भेजना है ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो हम ई मेल के माध्यम से कहीं भी किसी भी आ, कंट्री या स्टेट में जहाँ पे हमारे फ्रेंड हो हम भेज सकते हैं ईमेल क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल इज़ अ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं सिमिलर टू अ लेटर लेटर की तरह होता है जैसे पहले क्या होता था ई नहीं था तो लेटर से पोस्ट देते थे ठीक है सामने वाले डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते थे अपना एड्रेस लिखते थे ठीक है तो वो उस डेस्टिनेशन पे क्या होता था जाता था तो लेटर की तरह होता है इट इज सेंट फाइ इंटरनेट टू अ रेसिपिएंट ये जो है इंटरनेट के माध्यम से रेसिपिएंट तक रिसिप्ट होता है एंड ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव ईमेल एंड दैट एड्रेस इज यूनिक टू द यूजर इसके लिए ईमेल एड्रेस का रिक्वायर्ड होना जरूरी होता है ईमेल एड्रेस जब तक आपका सामने वाले का नहीं है तब तक आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकते एड्रेस यूनिक होता है ईमेल एड्रेस जो होता है वो हर एक यूजर का यूनिक होता है कोई भी सेम ईमेल एड्रेस जो है हर एक यूजर का या किसी यूजर का सेम नहीं हो सकता यूनिक होता है जैसे मोबाइल नंबर होता है उसी तरह से ईमेल एड्रेस भी यूनिक रहता है सम पीपल्स यूज इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन एंड सम यूज प्रोग्राम्स ऑन देअर कंप्यूटर टू एक्सेस स्टोर ईमेल्स कुछ पीपल जो है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं सम यूज प्रोग्राम्स कुछ प्रोग्राम यूज करते हैं कंप्यूटर में आ इसको एक्सेस करने के लिए स्टोर करने के लिए ईमेल्स को तो इस तरह से क्या होते हैं ईमेल के थ्रू हम किसी को मैसेज सिंपल भेज सकते हैं की बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ यूजिंग ई अब इसके की बेनिफिट्स और फीचर्स जो है ई के क्या क्या है इट्स क्विक यूर रेसिप एंड रिसीव यूर ई मेल एज सुन एज दे गो ऑनलाइन एंड कलेक्ट देयर मेल मतलब ये जो है वो क्विक होता है आप जैसे ही ईमेल सेंड किए सेंड बटन पे क्लिक किए वो ईमेल जो है मैसेज जो है वो रिसिपियन तक तुरंत पहुंच जाएगा अगर वो ऑनलाइन है तो तुरंत देख सकता है अगर ऑफलाइन रहेगा तो जब भी जैसे ही वो ऑनलाइन करता है तुरंत पहुंच जाएगा उसके मेल पे तो ये इसके बेनिफिट्स हैं नेक्स्ट इट्स सिक्योर बहुत ही सिक्योर होता है मतलब ईजिली कोई भी हैक नहीं कर सकता उसके लिए पासवर्ड का पासवर्ड रिक्वायरमेंट होता है आईडी आईडी की जरूरत पड़ता है मतलब ईजीली हैक uh, नहीं किया जा सकता इट्स लो कॉस्ट बहुत ही कम कॉस्ट लगता है मतलब आपको uh, uh, ऐसा नहीं कि ईमेल uh, कर रहे हो तो आपका दो एम बी तीन एम बी या दस दस एम बी जो है आपका लॉस हो रहा है इस तरह से कुछ नहीं होता अगर आपका फाइल फाइल के ऊपर रहता है फाइल जितना बड़ा रहेगा उतना आपका एम बी कॉस्ट एम बी उतने एम बी का आपका कॉस्ट लगेगा फोटोज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स कैन बी अटैच आप इसमें फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल जितने भी फाइल हैं जो भी अदर फाइल्स हैं उसको आप अटैच कर सकते हैं ई मेल में सो दैट मोर इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं उसको आप शेयर कर सकते हो वन ई मेल कैन सेंड टू मोर देन वन रेसिपियन एट अ टाइम आप एक ई मेल को एक से ज़्यादा रिसिपियन को सेंड कर सकते हो सपोज मेरे दस फ्रेंड है और मेरे को इन्विटेशन कार्ड जो है जो भी इन्विटेशन कार्ड है या जो भी डॉक्यूमेंट है जो सभी को रिक्वायर्ड है तो मैं उस डॉक्यूमेंट को अटैच करूँगा और सभी का ई मेल एड्रेस जो है वो जो टू में रहता है रेसिपियंट है उसमें एड्रेस में तो मैं उस एड्रेस बार में सभी का ईमेल जो है एक एक करके टाइप करते जाऊंगा और जैसे मैं सेंड करूंगा वो सबको मैसेज जो है वो चले जाएगा डिलीवर हो जाएगा सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्वर वर्किंग मैथड एंड प्रोग्रामिंग वेब सर्वर वेब सर्वर क्या होता है वॉट इज वेब सर्वर फर्स्ट ऑफ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर एक तरह का कंप्यूटर होता है वेब सर्वर जो है एक तरह का कंप्यूटर रहता है जिसमें आपके जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वेब के सारे इंफॉर्मेशन जो है उस वेब सर्वर पर क्या रहते हैं स्टोर रहते हैं तभी तो हम कोई भी जब कभी भी ऑनलाइन होते हैं तो हमें टाइम लिमिटेशन या बॉन्डिंग की कोई जरूरत नहीं होता वेब सर्वर पर रहता है वो चीज हम जैसे सर्च करते हैं वो क्या करता है उस वेब सर्वर से पिकअप करता है डेटा और हमें प्रस्तुत करता है तो सो वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर वेयर कंटेंट इज स्टोर जहां पर कंटेंट स्टोर रहता है बेसिकली वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट होस्ट के लिए यूज करता है द वेबसाइट बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर ऑल्सो सच एज गेमिंग स्टोरेज एफ टी पी ईमेल एक्सेट्रा बेसिकली जो वेब सर्वर जो है वो बहुत सारे जो वेबसाइट वेबसाइट्स uh, होते हैं वो यूज uh, करते हैं अपना डेटा uh, या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर्स और भी वेब सर्वर्स होते हैं जैसे कि गेमिंग जैसे कि ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो उसका जो भी फाइल uh, वगैरह है वो किसी वेब सर्वर पे स्टोर रहेगा गेमिंग वेब सर्वर पे ठीक है uh, जैसे पबजी अभी ट्रेंडिंग गेम है तो जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हो ऑनलाइन खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके गन्स रहते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं ठीक है तो वो सारे जो है वो कहाँ पे रहेंगे वेब सर्वर पे रहेंगे तो आप वहीं से क्या करते हो जैसे आप क्लिक करते हो अलग अलग गन हैं तो अगर किसी भी गन को अगर एक क्लिक करते हो तो क्या रहेगा वो स्टोर रहेगा वहाँ पे तो वहीं से क्या करता है पिकअप कर दे जाता है ठीक है स्टोरेज के लिए भी होता है एफ़ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो सी एस है सपोज सी एस वहाँ से आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हो तो वो फाइल मार्कशीट जो है सी एस के वेब सर्वर पर रहेगा जैसे आप लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड डालोगे वहाँ से आप क्या कर सकते हो उसको डाउनलोड कर सकते हो तो वो वहाँ की वेबसाइट पर वेब सर्वर पर स्टोर रहता है जिसको आप क्या कर रहे हो डाउनलोड कर रहे हो ईमेल हो गया ईमेल का भी अपना वेब सर्वर रहता है जहां पे सारे लोग सभी रेसिप uh, या जो भी यूजर्स हैं उसका डॉक्यूमेंट uh, जो है उस सर्वर पर स्टोर रहता है जिसे आप जरूरत पड़ने पर वहां से पिकअप कर सकते हैं वेबसाइट इज सो व्हाट इज वेबसाइट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वाइल वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्सेस वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है ठीक है बहुत सारे वेब पेजेस का क्या होता है कलेक्शन होता है तब मिलकर वेबसाइट बनता है जैसे कि सी एस ई टू का वेबसाइट देखे होंगे बहुत सारे पेजेस रहेंगे उसमें रिजल्ट का पेज अलग रहेगा सिलेबस का पेज अलग रहेगा कोई भी इंक्वायरी उसका पेज अलग रहेगा तो इस तरह से पेजेस में डिवाइड रहते हैं वेबसाइट वही है वेब सर्वर वर्किंग अब वेब सर्वर वर्किंग कैसे करेगा वर्क कैसे करते हैं वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन आइदर द फॉलोइंग टू वेज दो तरीके से रिप्लाई करेगा वेब सर्वर जो है क्लाइंट जैसे कि रिक्वेस्ट करता है ठीक है जैसे सेंडिंग द फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएट विद द रिक्वेस्ट यू आर एल मान लो मुझे कोई फाइल जो है मैं यूजर हूँ क्लाइंट हूँ मुझे कोई फाइल जो है डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले सी एस uh, जो ओ आर जी है वहाँ पर जाऊँगा और मुझे सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस वाले में क्लिक करूंगा सिलेबस वाले पेज में उसके बाद वहाँ पे लिंक आएगा वहाँ से मैं क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता हूँ तो इस तरह से क्या करेगा डाउनलोड होगा जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय इन स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विथ डेटाबेस सो वर्किंग हाउ टू वर्क वेब सर्वर सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अस्टैटिक डेटाबेस स्टैटिक मीन्स फिक्स रहेगा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहता है डायनेमिक में क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं सो स्टैटिक डेटा डेटा स्टोरेज दिस इज अंड दिस इज अस्टैटिक डेटा रिस्पॉन्स दिस इज अ वेब सर्वर वेब सर्वर एंड दिस इज अ वेब क्लाइंट वेब क्लाइंट इज अ एच टी एच एच देखो यहाँ पर क्या है स्टैटिक डेटा है वेब क्लाइंट जो है सबसे पहले एच टी टी पी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल में रिस्पॉन्स करेगा रिस्पॉन्स करने के बाद वो वेब सर्वर पे जाएगा वेब सर्वर से क्या करेगा अगर डेटा बेस जो भी डेटा डेटा uh, स्टैटिक डेटा सर्वर पे जो भी डेटा स्टोर रहेगा उसको क्या करेगा रिस्पॉन्स करेगा यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉरी क्लाइंट है, है यहाँ एस से रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर पे गया वेब सर्वर क्या करेगा स्टैटिक डेटा से वो जो रिक्वेस्ट किया है क्लाइंट उस फाइल या डेटा को क्या करेगा सर्च करेगा सर्च करने के बाद रिस्पॉन्स करेगा रिस्पॉन्स स्टैटिक डेटा स्टोर जो है वेब सर्वर को करेगा और वेब सर्वर जो है वो एस के माध्यम से क्लाइंट को भेज देगा अब वेब सर्वर के पास और किस तरह से हो सकता है वेब सर्वर जो है सर्वलेट रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे सर्वेलेट रिक्वेस्ट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन सर्वर होता है जहाँ पे वेब कंटेनर अदर सर्विसेज जो अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे सर्च करेगा सर्च करने के बाद वो जो एप्लीकेशन डेटा एप्लीकेशन का सर्वर है ये तो उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा वो वहाँ पे क्या करेगा सर्च करेगा उस एप्लीकेशन डेटा स्टोर पे वहाँ पे सर्च करने के बाद वो इसको रिप्लाई करेगा एप्लीकेशन सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर को रिप्लाई करने के बाद जो भी वेब कंटेनर या अदर सर्विसेज हैं इसके माध्यम से वो क्या करेगा फिर रिस्पॉन्स करेगा वेब सर्वर को सर्वलेट रिस्पॉन्स के माध्यम से ठीक है सर्वलेट रिस्पॉन्स बोलेंगे सो so, उसके बाद ये यह यहाँ से क्या करेगा वेब क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स के थ्रू सो so, ये जो है वेब सर्वर जो है किस तरह से वर्क करता है उसका आर्किटेक्चर है सो आई होप आपको समझ में आया होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच